शिवपुरी जिले के खनिया थाना में रहने वाले सुनील शर्मा ने डीएम को दिए गए आवेदन में बताया कि वो लोडिंग चलाने का काम करता है और उसकी पत्नी शासकीय शिक्षक है। उसके फोन पर एक फोन आया जिसने अपने आप को करेरा थाने से दीवान जी मोहन बताया, जिसने बोला तुम पर जिला बदल की कार्यवाही होना है। जिसके बाद उसके व्हाट्सएप पर कॉल आया और 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। युवक ने आगे बताया उसका 15 साल पहले लड़ाई झगड़े का विवाद था जिसमें वह कोर्ट के द्वारा बरी हो चुका है। उसके बाद उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। युवक ने पूरे मामले की शिकायत डीएम से करते हुए मामले की जांच और कार्यवाही की गुहार लगाई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हेलो, तुम ही बताओ यार भाई साहब, यार तुम ज्यादा बता रहे थे। मैं तो यार 2-3 हजार रुपये कह देता, मान जाओ का हो रहा हूँ। 2-3 हजार रुपये सही है कई बार का सही यार, बताओ खाए अभी तो पागल से पता समय कर धरती तो नहीं यार तुम मारे। मैं तनखा मारे तनखा रही है मेरे पास का, और बताओ भाई जो तनखा वाले ने तनखा घर में ढूंढना, मेरे पास तनखा मिल रही है भाई जो, तुम बताओ यार बताई नहीं गए कैसे कहो भी बता दे तो कच्ची बातचीत होती भैया। तुम्हें तो मैंने पटरे कहा यार, देखो यार आकाश भाई सुनाओ नहीं। अरे यार तुम्हारे से क्या दिक्कत हो रही है, बिन के मोबाइल से बात तो उतना अपन जी जानते जो आत्मा को है अपन जो जानते आकाश भाई, देखो अपन जी काम करत भी नहीं है, अपन ऐसे आदमी नहीं है ना, तुम भी जानते हो है अपन ऐसे आदमी नहीं है। आप ये तो सोच गलत है उनकी तो। अरे खनिया थाने में एक को सस्पेंड कर दो, कोई पुलिस वाला बात कर भी तो जाने नहीं। एक तो बात क्यों आ रही, कौन ने कहा सस्पेंड, तुमने करवा तुम अल्लाह है ना, तो मैंने करवा दो। नहीं हमने तो कुछ नहीं करवा, तो गलत क्या दिखा यार अपने बारे में, तो वो तो इनको अलग मैटर है, तो कोई भी दूसरे आदमी को मैटर था, तो आकाश शर्मा है वो। हेलो आकाश शर्मा है, शारदा नर्स की लड़का है, बिना करवाओ भैया। हाँ भैया, हेलो हाँ बताओ क्या कह रहे यार भाई सब का है, सब बता तो मैं, तो तू पूछ तो ले यार कितनी मांग रहा है, मैं क्या बता दूँ, पता तो पड़े भाई साहब, मैं तो अभी आपको भी मांग रहा हूँ 15,000 रुपये, मैं अपना मौजा कहता हूँ 4,000 रुपये मतलब ना हो जाते भाई जब मौका, मैं अब मतलब भी मांग रहा हूँ 500 रुपये, मैं अपना ज़्यादा बता दूँ तो फिर पूछ के बता दे का लेना देना, बता दे पैसा करते हैं यार। देखो जिला बदल की देती आकाश भाई, जो ये अपन जिला बना रहे हैं, चले जाए भाई तो तीर लगे और क्या कर सकते, पर कम में करवा दे काम हो जाते यार भाई। ठीक है महाराज, हेलो बीस हजार रुपया 20 तो ज्यादा है, 10 की कहते यार भाई, उससे ज्यादा नहीं करते अपन। नहीं कहा यार ऐसे तो बिलात लिस्ट हो गया, कितने रुपये इकट्ठे हो जाए यार पास, 10 की कह रहे आकाश भैया। अगर अच्छा सब मंजिला बदल कर देगा, अरे जिनसे कह दो यार जी भाई सबसे यार, कहीं तुम कम में, तुम मैंने कम ले यार, कहीं तो सही यार बोलते हैं कहीं यार भाई सब, मैं यार वो ही बताओ आकाश भाई जी तुम्हें कह रहा हूँ यार, नहीं भाई मैं तुम्हें ऐसे कर नहीं पाता, भगवान का समझ यार भाई, व्यवस्था नहीं बन रही, मना कर रहे मैं ही बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे भाई साहब। हेलो, अरे जी कह रहे भाई जो आपको फोन आओ तो मैंने देख लो अपने हिसाब से जैसी भी हो भाई साहब, का है मैटर जो तो बताओ यार, ये बाहर का बता दी तुम, बताओ अपने हिसाब से भाई, देखो क्या है आपका मैटर है, अभी तबीयत सुनवा का भेजिए, तो अरे सुनो तो भाई साहब वास्तव में तबीयत खराब है आकाश भैया, बोलो सीट के टी प्रॉब्लम भाई साहब, मैं थाने नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं मैं आ जाता भाई, तो भाई मेरी बात सुनो, तुम मत आना, बुला नहीं रहा हूँ, अबे जब सही हो जाओ जब आ जाना, और यहाँ भी मत आना अपने गाँव पे आ जाना, एक फोटो खिंचवाना है, आओ है ना, आओ और बाकी मैं लिखा पड़ी मैं करता हूँ, तुम तो अपने जहाँ से बात कर लिए तुम्हारे पास, अरे ठीक है बता तो दो आप, भाई साहब जी कह रहे हो, आप बता तो दो का भैया तो ज्यादा बता रहा यार, ठीक मैं सुनना बंद करते हैं भाई साहब, बे यार बुझी देख भाई औकात से बाहर है भाई साहब यार, पुरानी बात ही हो तुम, अरे भाई साहब भगवान का समझदार हो यार, अरे भाई अरे भाई साहब इतनी ज्यादा नहीं कर पे, भगवान का था मुझे करा दर्द भी नहीं है, नहीं है भाई साहब बात कर लो,
करा दूंगा। जो कह रहा यार बता भैया के देखा यार कम में करवा रहा हूँ तो ज्यादा होती यार ये पैसा तो 50,000 तुम कह रहे हेलो भैया ये क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा। अच्छा आज आप कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेकर? समस्या जी है सर कि मैं कह रहा थाने से मेरा कॉल आया था कि मोहन बघेल दीवान जी हैं जो मुझे सर धमका रहे हैं और कह रहे हैं जिला बदल कर देंगे आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, क्या वजह? सर कोई वजह नहीं है, मुझसे मतलब पैसे हटने के चक्कर में हो, मुझे कॉल रोकने पे बताया मुझे। अच्छा या मुझे पहले 50,000 दे दो, मैंने मना कर दिया सर। किस बात के 50,000 रुपए दे दो? जिला बदल कर देंगे आपके लिए। अच्छा मैंने कहा सर मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे, मैं वहाँ पर रहते नहीं हूँ, 15-17 दिन में सर वहाँ पर रह नहीं रहा हूँ कह रहा मैं। अच्छा मैं उसके बाद सर मैंने मुझे दोबारा व्हाट्सअप कॉल किया, बोले 20,000 रुपए दे दो आपका रफा दफा कर देंगे केस को। नहीं तो ऐसा क्या केस है तो आपका 20,000 रुपए मेरा पता नहीं है सर, मेरे पास लड़ाई झगड़े के 15 साल पुराने केस थे। अच्छा अच्छा मेरा बड़ी हो चुका हूँ मैं, छोटे मोटे केस थे, कोई केस नहीं है मेरे ऊपर, बार बार कॉल किए जा रहे हैं। तो आपने वहाँ पे थाने में जो थाना प्रभारी है उनसे शिकायत नहीं की उसकी? दीवानी प्रभावित शिकायत क्या, उन वही तो करवा रहे हैं सर, जो कुछ करवा रहे हैं। अच्छा तो उनसे बात कही थी आपने? हाँ एसपी साहब से बात की थी मैंने। अच्छा उनसे मैंने बोला था इस बात को, हाल तुरंत ही मैंने कॉल किया था सर के जी जी सर ये सही बात है, उन्होंने थाने में तुरंत कॉल किया, उन्होंने कहा क्या मतलब लगा रखा है जाँच करो क्या है, उसके बाद सर ने बोला था कि आप हमें आवेदन दे देना, यहाँ पे छुट्टी है ना, बात करेंगे आपसे। कल सर आने के लिए सी नहीं आया, सर रात में चौहान पूछे हुए थे, एकदम नहीं आ पाया सर। क्या चाहते हो आप? सर कार्रवाई चाहता हूँ सर मैं। अच्छा निवास कहाँ करते हो? सर खरीदाना निवास करता हूँ सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।